बरेली में बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए आज प्रशासन काफी सख्त दिखाई दिया। शहर के अलग अलग चौराहों पर बाजारों में प्रशासन का डंडा चला। चाहे वो बेवजह घूमने वाले लोग हों या वो दुकानदार जो लॉकडाउन में भी शटर के अंदर बंद होकर अपना व्यापार चला रहे हैं और लॉकडाउन का उल्लंघन करते हुए तस्वीरों में साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। आला अधिकारियों ने भी शहर का निरीक्षण किया। बता दें कि बरेली में कोरोना संक्रमण को बढ़ता देख प्रशासन काफी सख्त दिखाई देने लगा है। आज सुबह से ही प्रशासन का डंडा उल्लंघन करने वालों पर चलता दिखाई दिया। घरों से निकलकर बेवजह घूम रहे लोगों को पुलिस द्वारा रोका गया, चालान भी किया गया और सख्त निर्देश दिए गए कि बिना आवश्यक कार्य के घरों से बाहर ना निकले। वहीं अगर बात की जाए तो उन लोगों की जो महामारी में अपनी और दूसरों की जान से खिलवाड़ करते नजर आ रहे हैं और नियम कानून को ताक पर रख के अपने कार्य को अंजाम दे रहे हैं, ऐसे लोगों पर पुलिस काफी सख्त दिखाई दी। वहीं दूसरी ओर बरेली किला सब्जी मंडी से लेकर कुतुब खाना तक कपड़ों की दुकान है। ऐसे में कई व्यापारी आपदा में अवसर तलाशते नजर आ रहे हैं। किला सब्जी मंडी क्षेत्र में सुबह से ही लोग भारी मात्रा में भीड़ लगाए हुए थे। ना उन्हें चालान का डर था ना ही महामारी का। वहीं कपड़ा कारोबारी भी लोगों की भीड़ दुकान में इकट्ठा करके शटर बंद करके अपने व्यापार को चलाते नजर आए। प्रशासन ने ऐसे लोगों का चालान कर सख्त हिदायत देकर छोड़ दिया, लेकिन आने वाले ईद के त्योहार को लेकर बाजार काफी गुलजार होते नजर आ रहे हैं। वहीं व्यापारी भी शटर बंद कर अपने व्यापार को चला रहे हैं बिना किसी डर के। तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है ना इन्हें संक्रमण का खतरा है ना ही लॉकडाउन का डर, बस अपने व्यापार की चिंता है। बरेली से पवन कुमार, न्यूज़ 4 इंडिया।